नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल ओवर स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बीएसजी अपडेट में मैं लेके आया हूँ सर्कुलर नंबर 44/2023, जो कि है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का, जो होने वाला है महाराजागंज उत्तर प्रदेश में। तो आइए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या क्या बताया गया है। जो भी लोग इस कैंप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए क्या कंडीशंस है, क्या प्रिपरेशंस करनी है और फॉर्म कैसे फिलअप करना है वगैरह, सब इस सर्कुलर में बताया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द इवेंट, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एंड लव्ड कैंप ऑफ बीएसजी, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। और ये जो कैंप होता है उसकी बहुत बढ़िया खासियत है कि हर एक स्टेट का अपना कल्चर और स्टेट की जो भी लोकल चीज़ें हैं वो वहाँ पे एक जगह पूरा इंडिया इकट्ठा होके हम सभी एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका वेन्यू जो है वो है सिटी SVM इंटर कॉलेज सिसवा बाज़ार, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। ये जो कैंप होने वाला है वो कैंप होने वाला है 26-30 मई 2023 में। डेट ऑफ अराइवल है 26 मई 2023 बिफोर लंच, और कैंप ख़त्म होने वाला है यानी कि डेट ऑफ डिपार्चर है 30 मई 2023 आफ्टर लंच। तो ये जो सिटी SVM इंटर कॉलेज सिसवा बाज़ार है वो जो वेन्यू है वहाँ कैसे पहुँचना है इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल बताया गया है। तो ट्रेन्स जो है वो अवेलेबल है सिसवा बाज़ार रेलवे स्टेशन तक वाया गोरखपुर जंक्शन, और उस सिसवा बाज़ार रेलवे स्टेशन से ये जो वेन्यू है वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसके लिए लोकल ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट की जाएगी होस्ट स्टेट द्वारा, और पार्टिसिपेंट जो है उनको पहले एडवांस में बताना होगा। उसके बाद नीचे दिया गया है असिस्टेंस के लिए जो हेल्पलाइन है उसके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कोई डाउट वगैरह है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद फीस जो है वो है फीस ₹350 पर हेड। आगे देखते हैं हु कैन पार्टिसिपेट। स्काउट गाइड्स बिटवीन एज 14-17 एंड रोवर रेंजर बिटवीन 15-25 ईयर्स ऑफ एज हु हैव कम्प्लीटेड एटलीस्ट राज्य पुरस्कार बैच में भी सिलेक्टेड फॉर पार्टिसिपेशन। यानी कि स्काउट गाइड 14-17 एज ग्रुप के और रोवर रेंजर 15-25 एज, और उन्होंने कम से कम राज्य पुरस्कार बैच कंप्लीट किया होना चाहिए। उसके बाद कोटा अलोकेशन, हर एक स्टेट का कंटिंजेंट होगा, उसका टोटल कोटा है हर एक स्टेट का 18 पार्टिसिपेंट्स का, उसमें 4 स्काउट्स, 4 रोवर, 1 यूनिट लीडर, उसके बाद 4 गाइड्स, 4 रेंजर्स और 1 यूनिट लीडर। टोटल 18 लोगों का कोटा हर एक स्टेट को दिया गया है। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बताया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़, इस कैंप में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है इसके बारे में यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए बताया गया है। तो इसमें स्टेट का जो एक्सपोजिशन होगा उसमें लोकल स्टेट का, हर एक स्टेट का अपना जो कल्चर है, फेस्टिवल्स है, क्राफ्ट्स है, ट्रेडिशन है, उसके बाद शादी की प्रथाएं है, वो सभी आपको वहाँ पे दिखाना होता है। इसके प्रिपरेशन आपको पहले ही कर लेनी है। तो यहाँ पे एग्जीबिशन होगा मैरिज ऑफ इंडिया, इसका प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फोक सॉन्ग, फोक डांस, पेट्रियोटिक सॉन्ग, फूड प्लाजा, इंटीग्रेशन गेम, कैंप फायर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, कैंप फायर एक्सेट्रा जो प्रोग्राम है वो इस कैंप के दौरान ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये जो कैंप होता है उसमें ढेर सारी एक्टिविटी होती है, और जो कैंप का समय है वो कैसे बीत जाता है वो समझ नहीं आता। हमने भी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एट सिक्किम मांझीठार में किया था, वो कैंप का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद प्लेस ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो महाराजगंज प्लेस है वो नियर नेपाल बॉर्डर है, तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे वो लुम्बिनी, जो कि बर्थ प्लेस है लॉर्ड गौतम बुद्धा का, उसको विजिट कर सकते हैं। और साथ ही में गोरखपुर सिटी, जो कि फेमस है गोरखनाथ टेम्पल के लिए, वहाँ पर आप विजिट कर पाएंगे। उसके बाद व्हाट टू ब्रिंग, यानी कि कैंप के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लानी है अपने किट में। तो यहाँ पे 2 किट का मेंशन किया गया है, हर एक का पर्सनल किट यानी इंडिविजुअल किट, और कंटिंजेंट का, पूरे कंटिंजेंट का किट आपको लाना होगा। तो इंडिविजुअल किट में हर एक कैंप की तरह आपको APRO
पार्ट टू और थ्री के अनुसार यूनिफॉर्म आपका आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो भी पर्सनल ड्रेसेस है, उसके बाद ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और कैंप फायर के लिए जो भी सामान वगैरह आदि लगता है वो सभी आपको लाना है। साथ ही में फूड प्लाजा के लिए आपका जो भी मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही में कंटिंजेंट किट जो होगा उसमें स्टेट का प्लाकार्ड यानी कि स्टेट का नाम लिखा होगा ऐसा बोर्ड बनाना है, प्लाकार्ड बनाना है। उसके बाद मटेरियल फॉर स्टेट एक्सपोजिशन एंड एग्जीबिशन, जो कि एग्जीबिशन लगेगा उसमें आपके स्टेट से जो भी स्पेशल चीज़ें हैं जो एग्जीबिशन में आप लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो आपको लानी है। उसके बाद मटेरियल फॉर फूड प्लाजा, कुकिंग यूटेंसिल होंगे, रॉ प्रोविजंस और स्टोव यानी कि कुकिंग का जो भी मटेरियल है वो आपको लाना है। उसके बाद ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स लाइक ड्रेस फॉर सॉन्ग, डांस, फेस्टिवल, मैरिज, एग्जीबिशन, कैंप फायर। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यदि आपको ज़रूरत है या आपके स्टेट का कोई स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी आप ला सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट जो कि कैंप का रजिस्ट्रेशन है उसका लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया है 30th of April 2023, ये लास्ट डेट है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके स्टेट को आपको फॉर्म फिलअप करके आपके स्टेट को भेजने हैं। उसके बाद स्टेट क्या करेगा, इस ईमेल आईडी पे जो लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का उनको ईमेल कर देगा और साथ ही में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको इस गूगल फॉर्म पे अपना पूरा डिटेल्स फिलअप करना है, कब तक, 30th of April 2023 तक। तो दोस्तों ये था सर्कुलर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप ऑन द थीम ऑफ वसुधैव कुटुंबकम एट महाराजगंज उत्तर प्रदेश, जो कि होने वाला है 26th to 30th May 2023 के बीच में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप पे और अन्य सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस कैंप का जो सर्कुलर है वो आपको ऑल अबाउट स्काउटिंग के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रख सकते हैं ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।